Hello, कोई सुन रहा है? So this is SJ, employee ID 6969, and this rap is for all those frustrated employees out there, and for all those recruiters listening to this shit. I have just updated my LinkedIn profile. Go check it out. I hope you guys like it. So मेरी पहली जॉब थी एज अ कस्टमर डिलाइट एग्जीक्यूटिव 20,000 सैलरी ऑल पर्क्स इंक्लूसिव सब खूब रहे पहले दिन जैसे हूँ मैं न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस किसी शो के सीजन 5 में लाइफ में एक ही गोल पैसा कमाना लेकिन यहाँ पे सिर्फ चोली चोल जाली जमाना पाजी कहते जाली ये जमाना पहले वाइप कर रहा था अब ऑफिस आके मीनिंग जाना HR भी कैरी सुमित सैलरी ना बताना डोंट डिस्क्लोज इट किसी को भी सैलरी ना बताना लिसन मैम रंगोली आप इस बात में बनाना पहले ये तो बता दो का छुपाना ये खजाना सुमित सैलरी तुम्हारी थोड़ी झाट पर रहेगी लेकिन कंपनी में एक्सपोजर तुम्हें बहुत मिलेगा क्या तुम्हारा भी कटा है एक्सपोजर के नाम पे पंचन पांच मिनट लेट लगे हाफ डे आई काट ना पहना हो तो HR भी काट ले द चाटू एम्प्लॉय गॉट प्रमोटेड बिना बात के सुमित चाटना एक कला है आई मीन इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट पोजेस दी स्किल्स चलो जीप निकालो ओके आई गॉट इट प्रमोशन चाहिए चाटना पड़ेगा बिना बात इधर उधर थोड़ा भागना पड़ेगा लगना चाहिए बंदा कितना काम कर रहा है मेरे दोस्त भी कहते वाह क्या एक्टिंग कर रहा है भाई मानो या ना मानो या कुछ भी चल रहा है सेल्स वाला क्लाइंट छोड़ के यहाँ पे बंदियों को पिच कर रहा है यू नेवर नो तेरे बारे में कौन पिच कर रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स पे भी कौन जॉब स्विच कर रहा है एक तरफ वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा दूसरी तरफ गुड़गांव का ट्रैफिक नहीं जा रहा रात भर जग के बनाई प्रेजेंटेशन मैंने उसका भी क्रेडिट मेरा मैनेजर अकेले खा रहा अप्रेजल साला मेरा हो नहीं पा रहा ऊपर से वीकेंड पे भी मैनेजर मीटिंग करने ऑफिस बुला रहा एज पर डिस्कशन दिस वीकेंड विल बी वर्किंग भाई बकचोदी ना कर मैं नहीं आ रहा ऐसा मैं कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा और रेजिग्नेशन लेटर मेरा ड्राफ्ट में पड़ा रहा एंड देन द सैलरी गॉट क्रेडिटेड एक दिन के पीछे मैं 29 दिन का दुख भाई सहना पा रहा सुमित योर प्रोडक्टिविटी हैज गॉन डाउन बाय 30% डू यू हैव एनी जस्टिफिकेशन फॉर दैट यार जस्टिफिकेशन चाहिए ना जस्टिफिकेशन चाहिए